उपेंद्र कुशवाहा अब न तो जदयू का हिस्सा है और न ही महागठबंधन के, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो राग छेड़ दिया है उस पर अब कई सुर तान सुनने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी डैमेज नहीं कर पाएंगे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने तो साथ में रहते हुए डैमेज कर दिया है और उसका डैमेज कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो रहा है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के लिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आखिर जदयू के रहते हुए कोई मुख्यमंत्री कैसे बन जाएगा और नीतीश कुमार किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे दे देंगे। ये विरासत की बात है और विरासत हमारी है। विरासत की को लेकर के वो बाहर हुए और विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले हैं। उनकी यात्रा 28 तारीख से शुरू होगी जो 20 तारीख को यानी मार्च में 20 तारीख को समाप्त होगी। दो चरणों में ये यात्रा होगी, उसके बाद से एक बड़ा 28 मार्च को आयोजन होने वाला है, सम्मेलन होने वाला है, जिस सम्मेलन में ये घोषणा की जाएगी कि आगे विरासत बचाने के लिए कौन आएंगे। इस पूरे विषय पर हमारी नज़र बनी हुई है और जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक है, नींद उड़ाने वाली है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की। एक तरफ जहां वो महागठबंधन से अलग हो गए हैं, जदयू से अलग हो गए हैं, वहीं हाथों हाथ उन्हें गोद में उठा करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा बनाने के लिए आतुर है। पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं और इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। 2014 किसको याद नहीं, 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा शुरू की जो 25 तारीख से कहा जा रहा है कि शंखनाद भी हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जिस गुप्त प्लानिंग के तहत अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, इस प्लानिंग में बहुत सारी बातें ऐसे गुप्त हैं जिसको अभी खोला नहीं जा रहा है। आप इतना ही याद कीजिए ना कि जैसे ही पहुंचेंगे वहां अमित शाह, उससे पहले ये जा करके वहां यात्रा शुरू करेंगे और इस यात्रा के बाद तुरंत अमित शाह के जाने के बाद अब उसका फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेकर के लोगों की क्या मंशा है, लोग क्या सोच रहे हैं, इसको नमन यात्रा के दौरान 25 तारीख को जैसे ही रैली खत्म होगी अमित शाह की, उसके बाद दो दिन के बाद पूरी तैयारी के साथ उपेंद्र कुशवाहा वहाँ चले जाएंगे। लगातार यात्रा में जहाँ एक तरफ बापू को नमन करेंगे, वहीं शहीद जगदेव प्रसाद की जन्मस्थली जो है कुर्था अरवल में पहुँच करके अपनी यात्रा का समापन करेंगे और 28 तारीख को बापू सभागार में एक बड़ा सम्मेलन है। इस पूरे विषय पर क्या डैमेज कर पाएंगे, कितना डैमेज कर पाएंगे, हमारे साथ बातचीत की जिनको प्रभारी बनाया गया है राम पुकार सिन्हा है। ये अब उपेंद्र कुशवाहा का हिस्सा है, पहले जदयू के हुआ करते थे, अब आरएलजेडी के एक मजबूत साथी हैं, सिपाही हैं और इन्हीं को मिला है ये पूरा प्रभार। इनसे सुनिए क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से ये गुप्त प्लानिंग बना करके अंतिम जो 28 तारीख को सम्मेलन होगा उसमें क्या घोषणाएं होंगी। सुनिए क्या कुछ बातचीत के दौरान बताया है राम पुकार सिन्हा ने। हमने जब इस विषय पर बातचीत किया जो प्रभारी हैं विरासत बचाओ नमन यात्रा के, उन्होंने अपनी बात रखते हुए पूरी बातों को बड़ी ही स्पष्ट तरीके से रखा और किस तरह से उनका कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे और कितना डैमेज कर पाएंगे या अपनी विरासत को बचाने और नमन के बाद वो बिहार की राजनीति में अपनी छाप छोड़ेंगे, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए जो कार्यक्रम प्रभारी हैं राम पुकार सिन्हा जी वो हमारे साथ हैं। राम पुकार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा कार्यक्रम क्या है, आप संक्षेप में सारी चीजों को बताएं जिससे कि बिहार की जनता और जिस तरह से आप लोगों ने नई पार्टी बनाई है उनके सदस्यों को सब जानकारी मिल पाए। दरअसल भारत लाइव के माध्यम से मैं पूरे बिहार के और पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रति इतना झुकाव हो रहा है लोगों का। और इसी कार्यक्रम के तहत माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने सत्य और अहिंसा की प्रयोग स्थली व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि चंपारण की ऐतिहासिक धरती भितिहारवा गांधी आश्रम से विरासत बचाओ नमन यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं जो 28 तारीख को 11 बजे से शुरू होगा। और वहां भितिहारवा की तैयारी, जो कल मैं कार्यक्रम की तैयारी के सिलसिले में वहां गया था, तो वहां जाने के बाद जो लोगों का उत्साह लग रहा है, लोगों का जो जज्बा लग रहा है, वाकई में लग रहा है कि बिहार में दूसरा गांधी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं भितिहारवा गांधी आश्रम पर। 28 तारीख से बापू आश्रम से भितिहारवा से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 20-3 को आप जगदेव प्रसाद की जन्मस्थली कुर्था जाएंगे, इस बीच में आप लोग कहां कहां जाएंगे और फिर गांधी मैदान में भी एक रैली की बात सुनी जा रही है। देखिए, हमारे बिहार की समाजवादी आंदोलन विचारधारा में जितने भी हम लोगों को जो कुल देवता मानते हैं जी,
उसमें आपको बता दे कि गांधी आश्रम से शुरुआत होगी भितिहरवा से, फिर उसके बाद रात्रि पड़ाव मोतिहारी में होगा, कल होकर हम लोग निकलेंगे मीनापुर मुजफ्फरपुर जिला के लिए, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सैयद जुब्बा सहनी के स्मारक पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी माल्यार्पण करेंगे, वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर उसी रात हम लोग सीतामढ़ी में रुकेंगे और कल होकर सीतामढ़ी से कल होकर हम लोग निकलेंगे और अति पिछड़ो के महानायक सैयद रामफल मंडल जी के स्मारक पर बाजपट्टी में सीतामढ़ी जिला में पड़ता है वहां नमन करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे वहां मधुबनी जिला के शहीद सूरज नारायण मंडल जी शहीद सूरज नारायण सिंह जी के स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे, रात्रि पड़ाव मधुबनी होगा, फिर थनेश्वर दास रेणु जी के आ जाएंगे उनके स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे, फिर उसके बाद बीपी मंडल के स्मारक पर नमन करेंगे, उसके बाद फिर वहां से हम लोग कज्जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के स्मारक पर नमन करेंगे, फिर हम लोग शहीद चंद्रशेखर चंदू जी के अंतिम पड़ाव यात्रा का आप लोगों का होगा कुर्था में, अंतिम दूसरे चरण के अंतिम पड़ाव भारत रत्न अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो स्मारक है कुर्था में, वहां कार्यक्रम का समापन होगा, और उसके बाद 28 तारीख को 28 मार्च को सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर बापू सभागार में पूरे बिहार के समर्पित कार्यकर्ता जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के विरासत को बचाने का सपना देखे हैं, उस सपना को साकार करने वाले तमाम क्रांतिकारी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का राष्ट्रीय लोक जनता दल के बैनर पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, जो पूरा पटना समतामूलक समाज का निर्माण करने वाले राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ताओं का एक जमावड़ा होगा, और जिसका नेतृत्व माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी करेंगे, जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राम पुकार जी, आप लोग इस यात्रा के दौरान, नीतीश कुमार भी यात्रा लंबा किए, 2005 में पहली यात्रा उनकी हुई, उसके बाद से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, उपेंद्र कुशवाहा जी भी यात्रा पर निकले हुए हैं, आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जमीन को हिलाने, उनकी नींद उड़ाने की एक शुरुआत है? देखिए, किसी की नींद उड़ाने और किसी की नींद को समाप्त करने का हम लोग हौसला नहीं रखते, हम लोग जज्बा रखते हैं कि हमारी जो विरासत है, हमारा जो राजनीतिक धरोहर है, उन तमाम को कैसे बचाया जाए, जो संघर्ष बिहार की जनता ने 1990 से 2005 तक, राजनीतिक मकसद कुछ नहीं है, राजनीति मकसद तो है ही, राजनीति मकसद के बिना कैसे, कोई मकसद नहीं है, राजनीति मकसद यह है कि बिहार, राम पुकार जी आपको लगता है कि पिछले 33 साल से दोनों भाई, बड़े भाई और मझले भाई जो बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, उनको उतार करके छोटे भाई सत्ता पर बैठ सकते हैं क्या? यही तो बिहार की राजनीति में लोग ये कह रहे हैं कि भाई 15 वर्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के शासन को देख लिया, 18-20 वर्ष माननीय नीतीश कुमार जी के शासन को लोगों ने देखा, अब बड़का भाई और मझिला भाई का तो शासन हो गया, अब छोटका भाई की बारी है, जिस छोटका भाई उपेंद्र कुशवाहा जी की बारी है, और उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीतिक विरासत को संभालेंगे और समतामूलक समाज का निर्माण करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मतलब डैमेज कर देंगे आप लोग, डैमेज का बिहार की जनता दोनों लोगों को तो देख ही लिया है ना, और तो उपेंद्र कुशवाहा जी की बारी है, और उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए पूरा बिहार ललायत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम पुकार जी। धन्यवाद आपको। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।